मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तीसरा दिन है, मैं विश्वास करता हूँ ये अंत नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि इन सभाओं के बाद हम में से बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे। आमीन। क्योंकि इन सभाओं को करने का एक यही कारण था कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाए। याद रखिए, दुनिया क्रूस पहनती है लेकिन बाइबल बताती है क्रूस उठाओ। आमीन। क्रूस पहनने से किसी का उद्धार नहीं होगा, क्रूस उठाने से हर एक का उद्धार होगा। राइट, एवरीवन विल बी सेव्ड। मैं कुछ लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और जस्ट मैं कुछ लोगों को थैंक्स करके मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवादी हूँ अंकल जेम्स राम के लिए। आज सुबह मैं उनसे काफी देर मेरी संगति हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और सेकेंडली मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ ब्रदर राजेंद्र के लिए। ये आपके पुत्र हैं, राइट? आप दोनों भाई लगते हो। मैं कंफ्यूज था डे वन पे जब मैं यहाँ आया, तो मैं सोच रहा था मैं बोलूं नहीं बोलूं, बुरा ना मान ले, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं। मुझे आप दोनों बेटे और बाप कम दोनों भाई लगते हो। कोई और कहीं है जिसको लग रहा था ऐसा मेरे साथ? ये देखिए ब्रदर राजेंद्र, थैंक यू। थैंक यू आपके प्यार, आपकी मोहब्बत के लिए। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं चापा के अपने भाई बहनों के साथ संगति कर सकूं। थैंक यू। मुझे माफ कीजिए, मैं एक्चुअली सबसे मिलना चाहता था। मैंने सुबह उनको बोल के रखा था कि मैं है ना लास्ट में सबसे मिलूंगा, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण एक एक से मिलना नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और सेकेंडली मैं सच में कहता हूं, मैं आप सबसे मिलना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था, गले मिलना चाहता था आप सबसे, लेकिन क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जो मेन बोझ दिया है वो विलेज मिनिस्ट्री का है। मेरा बहुत मन करता है मैं उन जगहों पे जाऊं जो गांव साइड हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के बीच में प्रचार करना, लेकिन खैर ये तो गांव नहीं है, ये एक सिटी है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत आनंद किया। और मैं कुछ और भी लोगों के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। कल से मैं देख रहा था कि दो भाई वर्शिप कर रहे थे, एक लास्ट में बैठे हैं, एक आप, am I right? आप दोनों सब साथ में। थैंक यू आप लोगों की आराधना के लिए। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। और जो भी लोग वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं, क्वायर्स में खड़े थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिरी जो आभार है, मैं जितने पास्टर्स यहाँ हैं प्लीज अपना हाथ उठाइए, मेरी आपसे नम्र विनती है। जो पास्टर्स यहाँ पर हैं, ओके, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, दे आर रियल हीरोज, राइट? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए परिश्रम किया, मेहनत की, रात रात भर दुआएं की। हमेशा अपने पास्टर का आदर करें। क्या करें? आजकल बहुत सारे लोग पास्टरों की बुराई करते हैं। ब्रदर कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, इट्स अ मीटिंग। आजकल बहुत सारे लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं? आप भी करते हैं ना? मतलब जो भी लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, हम सारे पास्टरों की आपके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आपको भी पास्टर बनाए।
नहीं, ताली बजाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। जिस दिन प्रभु तुम्हें पास्टर बनाएगा तुम्हें पता चलेगा पास्टर बनना होता क्या है। लोगों को लगता है हम लोग ऊपर खड़े हैं, अरे भैया तवे पे बैठे हैं, विश्वास कीजिए तवे पे बैठे हैं। हजार कांड करें लोग उनको माफ है, हम एक गलत काम करेंगे ना पास्टरों के ऐसे करता है ना। हम भी इंसान हैं, बहुत टेंशन्स होते हैं हमें, बहुत चिंताएं होती हैं। जब भी रविवार को अपने कलीसिया में जाते हैं अपने पास्टर को जाते जाते बोला करिए, पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम हो तो बताइए। आमीन। ऐसा होना चाहिए। रिस्पेक्ट योर पास्टर, अपने पास्टर की इज्जत करें, उनका आदर करें। हाँ मैं नहीं कहता हूं कि अगर आपका पास्टर आपको वचन नहीं देता वो गलत काम कर रहा है उसके पीछे चलने की जरूरत है, नो नहीं चलना है उनके पीछे। लेकिन एटलीस्ट जो लोग आपके सामने आदरणीय हैं, वचन देते हैं, मेहनत करते हैं, उनका आदर करिए। कितने लोग करेंगे? पीछे वाले हाथ नहीं लाए। हेलो, कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने पास्टर का आदर करना है। हाँ, बहुत सारी बहनें पति का आदर नहीं करती हैं लेकिन पास्टर का करती हैं। एक दिन एक बहन ने मेरे सामने अपने पति को कहा, एजी। मैंने कहा, दीदी एजी मतलब ए गधे। मैंने कहा, दीदी गलत है ये, ठीक है ओजी। ओजी का मतलब ओ गधे। लेकिन पास्टर आ जाएगा तो पास्टर जी, पति गधा, पास्टर पास्टर जी। कितने लोग जानते हैं सारा को परमेश्वर ने इतना बदला था कि वो अंत के दिनों में अपने पति को स्वामी कह के बुलाती थी। मैंने एक बहन से कहा, बहन अपने पति को स्वामी बोलो। उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, मैं बोल तो दूं लेकिन ये इसके लायक नहीं है। हमारी इंडियन बहनें अमेजिंग हैं। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का भी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग यहां से 3 दिनों से अपने आशीष पाई प्रभु के वचन से? ओके, जो लोग नीचे उनका हाथ मुझे वो भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। जितने लोगों ने आशीष पाई अपना हाथ लंबा उठाइए देखूं मैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब ताली बजा के यीशु को महिमा दे सकते? वध किया हुआ मेमना ही महिमा आदर और जलाल पाए। आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं आप सब शांत हो जाएं, बड़े ध्यान से आज प्रभु के वचन को सुने और यहां देखिए। एक दिन बाइबल बताती है सुसमाचार प्रचार करने के कारण चेले गिरफ्तार हुए। उन दिनों में जो वहां के धार्मिक गुरु थे जिन्हें फरीसी सदुकी कहा जाता था, इन लोगों ने उन्हें अंदर करवा दिया और बाइबल बताती है उन्हें अंदर लॉकअप में ले जाके पीटा और मारा गया। लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें छोड़ने ही वाले थे तब उन्हें एक धमकी दी गई। नाउ लिसन दिस धमकी। उन्हें कहा गया, जो नाम से तुम शिक्षा दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम से बात मत करो। डोंट प्रोक्लेम हिज नेम। तुम किसी और नाम से बात करो चलेगा, लेकिन डोंट यूज दिस नेम, तुम इस नाम से बात मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पतरस का रिप्लाई।
पतरस उन्हें कहता है, क्या यह सही है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के तुम्हारी बात माने? क्या जो खुदा कहता है उसे भूलकर हम तुम्हारी बात माने? हमसे तो यह नहीं होगा। और बाइबल बताती है जब वो लॉकअप से बाहर पूरी तरह से छूट गए, आजाद हो गए, उसके बाद उन्होंने वापस उस नाम का प्रचार किया। कौन है यीशु जिसके बारे में वो चुप नहीं करते थे? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत सारे लोगों में कचरा भरा हुआ है कुछ बातों का। 18 साल पहले मेरा उद्धार हुआ जब मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी। 18 साल से मैं मसीह में हूं। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने उसे गालियां दी। वो कैसेट्स लेके आती थी और वो घर पे, उन दिनों में टेप रिकॉर्डर्स होते थे। आज आप सब कुछ यूट्यूब पे देखते हो। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया उन दिनों में यूट्यूब को बहुत कम लोग जानते थे। कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, सीडी जो डीवीडी में डाल के चलानी पड़ती थी। आज आपके पास तो एंड्रॉइड फोन है। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया उन दिनों में ऐसे फोन होते थे जिनमें 100 मैसेजेस आते थे, नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतने मजबूत होते थे वो फोन के 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। आज आपके लिए कितना आसान है, आपके मोबाइल में इतने वचन है, बाइबल है। मैं जिन दिनों में प्रभु में आया उन दिनों में फोन में बाइबल नहीं होती थी। हम नया नियम यहां पर कैरी करते थे और जहां टाइम मिलता था हम उसे पढ़ते थे। मेरी बहन ने मुझे कहा, यीशु मसीह खुदा है, तुझे जाना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी सगी बहन को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। जानते हो मैं अपनी बहन को क्या कहता था? तू अंग्रेजों के भगवान पर विश्वास करती, यीशु अंग्रेज है। प्रभु भी जानता था यह प्रॉब्लम आएगी। अगर हम काले पैदा होते हैं तो हमें अलग नाम दिया जाता है। हम गोरे पैदा होते हैं तो हमें कहा जाता है अब अंग्रेज हो। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म कर देता हूं। प्रभु की चमड़ी ब्राउन थी। आप पढ़ के देखिए इतिहास, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा ना मैं कालों में जन्मा हूं ना मैं सफेद पे जन्मा हूं, मैं ब्राउन में जन्मा हूं, तुम लड़ते रहो। मैंने अपनी दीदी को बोला नहीं नहीं ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। हमें लगता है अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी लेके रखी है कि जो भी लोग यीशु को जानना चाहते हैं हमारे पास आओ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने जीवन में टूटा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कोई परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं थी, मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था, मैं अपनी तकलीफों को ठीक करवाने के लिए वहां गया था। मुझे लगा सबको पैसे दे के रखे, उसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, चले काम करते, यीशु के पास भी जाके देखते। और मैं वहां पर गया। 6 महीने में मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। बट 6 महीने में मैंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जान लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप बिलीव कर सकते हैं। आपके यहां पर एक स्लोगन चलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, कहते हैं ना, कहते नहीं कहते? मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु छत्तीसगढ़िया है। ब्रदर क्या बोल रहे हो, मार खिलाओगे तुम? मैं कैसा हूं ये छत्तीसगढ़ में आप कैसे बोलेंगे? हाँ सॉरी, मैं कैसे हवा, हवा ठीक है ठीक है।
अच्छा, इसको छत्तीसगढ़ में कैसे बोलेंगे? आप बहुत प्यारे हो, बोल मेरी बहन, तू ही बोल। बस बस ठीक है, मैं आप इसे हर एक को कहना चाहता हूं, आप आज रात को घर जाइए, छत्तीसगढ़ की भाषा में प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सुनेगा। रुकिए, मैं क्या साबित करना चाहता हूं, जो एक ही भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा है, जो सारी भाषाओं को समझता है वो परमेश्वर होता है। मैं सिंधी में प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरा सिंधी में सुनता है। आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए, ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, साबित करके दिखाओ ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में, साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सही जगह पे आए हुए। जब मैंने यीशु को पहचाना तब मुझे समझ में आया पतरस क्यों चुप नहीं रहा। आप बिलीव कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानता है वो चुप रह ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्लाएंगे। आज जिस परमेश्वर का आदर पतरस ने किया ये कहकर उन्हें कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा कि हम चुप रहें, हम तो कहेंगे, और उन्होंने बाहर जाके उसके नाम को और प्रोक्लेम किया। आज जैसे पतरस ने उसे आदर दिया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं उसके वचन का आदर करना। आज जो वचन आपके पास आए उसको ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल बताती है बहुत से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, पर वो न देख पाए। हम कितने आशीषित हैं कि जो बातें नबी नहीं सुन पाए आज हम वो सुन रहे हैं। द प्रॉफिट्स, जो भविष्यवक्ता थे ना, बाइबल बताती है वो इस समय की जांच पड़ताल कर रहे थे। लिखा है उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में लिखा जो तुम पर होने वाला था। जरा सोचिए, वो तरसते थे खुदावन यस्सू के बारे में सुनने के लिए, लेकिन आज हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बाइबल, गिलातियों की किताब खोलिए सब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस। गिलातियों 3 अध्याय। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। ये 2 कुरिन्थियों के बाद आता है। आप सब मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब और उसका 3 अध्याय, 3 बाब। आप सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करूंगा। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का, प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए। 3 अध्याय का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे?
मैं तीन गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में, अपने कलाम पाक में ये पढ़ना है. 1, 2, 3. ओके, जितने लोग वहां बैठे हैं पीछे तक, गेट तक, सामने देखिए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वो जो ऊपर नीचे, जहां पर भी आप बैठे हैं, अपनी बाइबल को लैब पे छोड़ दीजिए, सामने देखिए. आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक विरोध करने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा. पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में विश्वास के बाद वो पौलुस नाम से ठहराया गया. उस बंदे ने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और वो उस कलीसिया को एक वचन लिखता है, कहता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? कहिए निर्बुद्धि. आप जानते हो निर्बुद्धि कौन है? प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर चार तरह के लोग हैं, वर्ण पांच. एक है चतुर, बोलिए चतुर. दूसरे हैं भोले. तीसरे हैं मूरख. और चौथे हैं बुद्धिमान. ये कैटेगरी है. कितने लोगों ने कल चतुर के बारे में सुना था? बोलिए चतुर. हां, बहुत लोग चतुर हैं. कुछ भोले हैं, बोलो भोले. हाँ, ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये बोले लोग हैं. इनको अगर आप बोलोगे ना यीशु पांचवें दिन जिंदा हुआ मुर्दों में से, ये उधर भी हाँ कहेंगे. इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु पांचवें दिन पैदा हो या छठवें दिन. अगर आप इनको बोल दोगे ना अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे नहीं बोला जाता, ओके, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते. इसीलिए वचन कहता है प्रभु का वचन पढ़कर बोला बुद्धिमान बनता है. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले बनो, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने. और तीसरे लोग हैं मूरख, बोलिए मूरख. ये बड़े खतरनाक लोग हैं. आप इनके साथ घूमोगे ना, कोड़े खाने के लिए तैयार रहो. बाइबल बताती है मूरख के साथ घूमेगा तुझे कोड़े लगेंगे. मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं अब वो मेरा दोस्त नहीं है. मेरा एक दोस्त है, बहुत गुस्सा आता है उसे, बहुत गुस्सा, बोलिए बहुत गुस्सा. एक होता है गुस्सा पी जाते हैं लोग, सह लेते हैं ना. एक होते हैं गाली निकालते, एक होते हैं चीजें उठा के फेंकते, वो उनमें है. देखिएगा ना कुछ कुछ लोग गुस्से में आके फेंक देते. मुझे एक दिन प्रभु ने साफ साफ कहा इससे दूर रहे, ये मूरख व्यक्ति है. और मैं थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक था उन दिनों में, सबको उठा के लेके चलने की कोशिश करता था. बातें मुझे मालूम पड़ा, ये लोग मुझे उठा के लेके चल रहे हैं. अब मुझे लगता था मैं सबको उठा के लेके चलूंगा, मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता था. एक खुदा ही है जो सबको उठा के लेके चलता है, हम नहीं बन सकते. कहिए अपने बाजू वाले को, आप सबको उठा के लेके नहीं चल सकते. हाँ, एक दिन मैंने उस भाई को फोन किया, मेरे पास उन दिनों में टू व्हीलर नहीं होता था. मैंने उस भाई को कॉल करके कहा ब्रदर कहां चलना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी लेके आता हूँ पास्टर, भैया मैं आता हूँ. हम लोग गए और हमारा काम हो गया. हम वापस आ रहे थे, एक हवलदार ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की चेक करने के लिए कि लाइसेंस है कि नहीं है. हवलदार जहां खड़ा था ना, वो दूर से ऐसे से कर रहा था, उसके पैरों पे ब्रेक मारी, इधर तक टायर आ गया. हवलदार ने बोला पागल है क्या, दिखता नहीं है, मेरे को लग जाता तो. बोलता है लगा क्या. हवलदार नीचे उतरा, उसको ऐसे चमाट मारा और दूसरे ऑफिसर को बोला दोनों को अंदर ले जाओ. मैंने बोला यार मैंने क्या किया. मुझे प्रभु ने कहा घूम और मूरख के साथ घूम, ले जाओ दोनों को, ले जाओ. दोनों को अंदर ले गए. मैंने उनको बोला अंकल मुझे माफ कर दो, मैं कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है,
मैं शरीफ बंदा हूं, मेरा बाप शरीफ है, हम लोग शरीफ खानदान से है, तो तुम इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल मैं खुद पागल हूं, उसके साथ घूमता हूं, अभी हमको जाने दो। तो बात में आप बिलीव कीजिए, मैं पैसा दे के छूटा। मैंने उस दिन घर पहुंच के उसको मैसेज किया, तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। बोलिए मूर्ख, थोड़ा मूर्खों से दूर रहो। जानते हो क्यों? मूर्खों ने ठान लिया है पैर छिलवा के ही सीखेंगे। एक होते हैं ना, आप किनको समझा सकते हो कि आगे रास्ता बंद है मत जा गिर जाएगा, मूर्ख बोलेगा नहीं मैं जाएगा, मैं गिरेगा, मैं धक्के वक्के खा के फिर सीखूंगा। इसलिए लिखा है मूर्ख कोड़े खा के सीखता है। पर जानते हो हमें परमेश्वर ने क्या बनने के लिए चुना है? अपना हाथ उठाइए, कहिए बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो सामने वाले को देखते हैं कि ये कैसे गिरा है, उसमें से ही सीख लेते हैं। परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों की गलतियां बाइबल में लिखी हैं? ताकि हम इनसे सीखकर बुद्धिमान बने। लेकिन अगर आप इनमें से भी नहीं सीखोगे, आप मूर्ख हो। इसीलिए यीशु ने मत्ती 5:6-7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, पर वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। बी अ वाइज पर्सन। गिरने के लिए इंतजार मत करो, सीख लो कैसे दाऊद छत पे गया, उसने औरत को देखा, उसके अंदर गंदे ख्याल आए, वो गिर गया। सीखो वहां से आंखों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। लर्न। ये वो दिन नहीं है कि हमें सोना चांदी चीजों के पीछे भागना है, ये वो दिन है जब हमें अपने परमेश्वर की तरह बनना है। आमीन। अब देखिए पॉल यहां पर क्या कहता है। संत पौलुस यहां पर लिखते हैं, हे निर्बुद्ध गिलातियो, वो कहता है ऐसे लोगों जिनमें बुद्धि नहीं है, किसने तुम्हें मोह लिया? हु अट्रैक्ट यू? किसने तुम्हें मोह लिया? उसके बाद वो कहता है ये क्या सुन रहा हूं मैं, शरीर के आत्मा से शुरू किया था, शरीर पे अंत कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? वो कहता है तुमने आत्मा से शुरुआत की थी, मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया था, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था, तुम पवित्र आत्मा से भर गए थे, लेकिन अब मैं क्या देखता हूं, तुम वापस उन चीजों के पीछे चल रहे हो जो चीजों के पीछे चलने के लिए मैंने मना किया था। सुनिए, हमेशा याद रखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है आपने कैसे शुरुआत की थी, महत्वपूर्ण यह है आप अंत कैसे करोगे। मैं फिर से कहूं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट यह है आप अंत कैसे करोगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से पहले बहुत प्रेम करते थे, कौन आया आपकी जिंदगी में जो आप ठंडे पड़ गए? कोई लड़का, फोन, कपड़े, ये दुनिया का प्यार? कहां गए वो दिन जब आप रोते थे आराधना में, आप सुबह सुबह उठ के खुदा के साथ बैठते थे? आज आप इतने ठंडे हो गए हो कि आज आप प्रभु की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। कौन आया आपके बीच में? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से मुलाकात करता है, उसको कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा पाने के बाद इब्राहिम खुदा से ही दूर हो गया। ओ, एक दिन परमेश्वर आके कहता है इब्राहिम मुझे अपना बेटा वापस दे, उसे बलिदान कर। लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मारना चाह रहा था। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था।
जब परमेश्वर ने देखा कि एक बंदे ने इसके अंदर घुसकर मेरी जगह ली है, तब परमेश्वर ने उसे कहा अपना बेटा दे। जिस दिन इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हां मैं बेटा दे दूंगा, उसका वो जगह खाली हो गया, उस दिन परमेश्वर ने उसे कहा अब मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आज जितने जवान भाई बहन यहां पर बैठे, अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाइए, यीशु और आपके बीच में जो कोई आएगा उसे ठुकराना सीखिए। प्रेम सिर्फ चुप रहना नहीं होता, प्रेम सिर्फ गीत गाना नहीं होता, प्रेम सिर्फ कलीसिया आना नहीं होता, प्रेम जुनून है, प्रेम भूख और प्यास है, प्रेम आपको उसकी संगति में बिठाता है, प्रेम आपको उसकी ओर निहारना सिखाता है। दैट इज लव। ये दो गीत गा के आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सुर निकालना सब कुछ नहीं है। लव इज पैशन, लव इज लॉन्गिंग, लव इज हंगरनेस। प्रेम भूख होनी चाहिए, प्रेम आपको रहने नहीं देता जब तक वो आपसे बात न करे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा ये गलत है, बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा। एक को मैंने समझाया भैया तू क्या कर रहा है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल। ये जिंदगी है, इज दिस योर लाइफ? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? लेट गॉड ब्लेस दीज फिल्थी रिलेशनशिप्स। झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे हैं, कैसे शुरुआत की थी आपने और आपका अंत कैसे होना है। बाइबल बताती है एक दिन शाऊल राजा अपनी सेवकाई में खत्म हो गया। जब उसका आज्ञा पालन खत्म हो गया, परमेश्वर उससे फेडअप हो गया। फेडअप का मतलब होता है परमेश्वर ने उस पर आशा छोड़ दी। परमेश्वर ने देखा ये बंदा मेरे खिलाफ काम करता है, और बाइबल बताती है उसने एक लड़के का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद ने गोलियत को मारा, एक बड़े दानव को, उसने सिकलक में लड़ाइयां जीती, उसने ए नगर जीता, उसने हेब्रोन जीता, उसने पूरे इसराइल पर जंगे कर करके फतेह पाई, उसने सब कुछ किया। पर आप जानते हो यही दाऊद जब अपने बेटे के डर से यरूशलम छोड़ के भाग रहा था, तब भागते भागते उसे एक व्यक्ति मिलता है, उसने उसे कहा तू कुत्ता है। उससे दाऊद को पता है क्या कहा, यू आर अ डेड डॉग, तू एक मरा हुआ कुत्ता है। उसने, वो शाऊल के खानदान का था, और वो उसे ऐसे से कह रहा था। योआब उसका सेनापति वहीं खड़ा था, वो दाऊद को कहता है तू बोल मैं इसके सर को अलग करके आऊं धड़ से। दाऊद कहता है नहीं रहने दे, प्रभु ने इसको अलाउ किया है मुझ पे चढ़ाई करने के लिए। कितना दाऊद यहां पर आत्मिक दिखता है कि वो क्षमा कर रहा था। लेकिन यही दाऊद जब मरने पर था अपने बेटे सुलेमान को कहता है सुन तुझे एक काम करना है। पापा क्या?
गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, जा उस पक्के बाल वाले शिमी को मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की थी? गोलियत को मारा, पूरे इज़राइल पर फतह हासिल की। वो इतना शुद्ध व्यक्ति था कि 13 साल तक उसके ससुर ने उसे परेशान किया और उसकी मौत पर वो विलाप कर रहा था कि वो क्यों मरा। आप जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? किसी को क्षमा न करके, ये उसका अंत था। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते, दाऊद जिसके गीत गाते हैं हम, ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका लेखक, हां उसके लेखक का अंत ऐसे हुआ। सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लड़का था वो, उससे प्रार्थना की प्रभु से। आप विश्वास करेंगे सुलेमान ने परमेश्वर से मुलाकात की थी? लिखा है प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु ने उसको बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इनका न्याय करने के लिए, इन्हें समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, अच्छा विवेक दे। परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है ना, मैं तुझे वो भी दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आप सोचिए एक आदमी की शुरुआत क्या हुई, खुदा उससे मिला और वो लड़का इज़राइल को संभालता था। पर जानते हो इसी लड़के ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की, जैसे आज भी मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, वो मसीहों से नहीं किसी से भी शादी कर लेते हैं। और आपको पता है इस लड़के ने एक अन्य जाति लड़की से शादी की और उस लड़की ने उसे मूर्ति पूजा करवाई। और आप जानते हो दाऊद का बेटा लास्ट में मूर्ति पूजा करने लगा। क्या शुरुआत थी लोगों की, दे किल द जायंट्स, उन्होंने दानवों को मार दिया। इस लड़के को देखो, प्रभु से मिला था और अंत में आप जानते हो 1000 औरतें थी उसके पास, 300 बीवियां, 700 रखेलियां, अपने भोग विलास के लिए इतनी लड़कियां रखी उसने। नोहा, कितने लोग जानते हैं नोहा कैसा था? एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर बात करके कहता है, सुन ये पूरा नगर, ये पूरी दुनिया पाप कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, पूरी फोर्निकेशन बड़ी पड़ी है, मैं इस नगर को, सब पूरी दुनिया को खत्म करने पर हूं, पर तू बोर्ड बना, मैं तुझे बचाऊंगा। 120 साल इतिहास कहता है नूह ने उस जलयान को बनाया और वचन कहता है उस आदमी का जल में यान उठाया गया। बाइबल बताती है 5 महीने तक उसका जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था, उसके बाद वो नीचे उतरा। वो व्यक्ति जो सबको खत्म होते देखने के बाद, वो पहला जन्म, वो व्यक्ति जिसको जिसको सौभाग्य मिला, जिसको ये मिला कि वो पूरी दुनिया को अकेले देखे। पर जानते हो जैसे वो बाहर निकला, ओ उसे घमंड हुआ, मैं अकेला हूं, उस घमंड में उसे शराब पी ली। शराब पीने के बाद बगैर कपड़ों के सो गया। उसके बड़े बेटे ने हर एक को बता दिया, लेकिन छोटे ने उसके तन को ढांका। आप बिलीव करेंगे, वचन कहता है उसने अंत के दिन में शराब पी। क्या शुरुआत की दाऊद ने, क्या शुरुआत की सुलेमान ने, क्या शुरुआत की नूह ने। कितने लोग गिदोन को जानते हैं? हिज नेम वॉज गिडियन। उन दिनों में इज़राइल के लोग गुलामी में थे, फिलिस्तीनियों के वश में थे। परमेश्वर गिदोन पे प्रकट होता है और कहता है, हे गिदोन, हे शूरवीर सोरमा, उठ तुझे लड़ना है। पहले के दिनों में वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर उसके बाद बाइबल बताती है उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, उसने इज़राइल पे फतह पाई, उसे जीत दिलाई। पर आप जानते हो उसका अंत कैसा हुआ? अंत के दिनों में वो खड़े होकर कहता है, हे इज़राइलियों, 40 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है, अपना अपना सोना मुझे दो। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत आत्मा में हुई,
अंत शरीर में हुआ। और बताऊं, यहोशाफात, वचन कहता है वो उपवास रख के प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति था। अब पढ़ के देखिए, अंत में उसने भी मूर्ति पूजा की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जितना आप खुदा के पहले करीब थे, क्या आज आप उसके करीब हो उतना? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हुआ? शुरुआत बड़ी अमेजिंग की, लेकिन अंत उतना ही बुरा हुआ उनका। आप जानते हो, यहां देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज अवर दिक्कत? हमारी दिक्कत क्या है? कहिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु के आने में बड़ी देर। ये हमारी प्रॉब्लम, दैट इज अवर प्रॉब्लम। अब मैं जो बता रहा हूं ये बाइबल में नहीं है, ये जस्ट एक स्टोरी के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप बातों को समझ पाए। एक दिन नरक में एक मीटिंग चल रही थी, बोलिए, नरक में मीटिंग चल रही थी। शैतान खड़ा हुआ, सारी दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। शैतान ने कहा, आजकल मसीह लोग बड़े शाणे हो गए, क्रिश्चियंस आर इन दीज डेज वेरी स्मार्ट। आजकल के जो मसीह लोग हैं ना, बड़े सयाने हो गए हैं, कुछ अच्छे प्रचारक आ गए हैं, इनकी आंखें खोल दी गई हैं। अब ये सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लड़कीबाजी नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, ये नहीं करते, अब ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं, हमारी दुकान कैसे चलेगी? एक दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं बोलूं? शैतान ने बोला, हां बोल। शैतान जी, हमें काम करने के बारे में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? यह बात तो मैं आपसे सहमत करती हूं कि ये सिगरेट शराब अब कुछ नहीं लेते। मैं एक को तो पान की ठपरी पे लेके गई, वहां से भी वापस आ गया। मैं कई लोगों को पिक्चर पे लेके गई, वहां से वापस आ गया। ये लोग ये करते नहीं है, तो अब क्या करें? मुझे लगता है शैतान, हमें यह काम करना चाहिए, हमें मसीहों के मन में एक विचार डालना चाहिए कि प्रभु है ही नहीं। ये जो तुमने विश्वास किया है ना, ये काल्पनिक बातें हैं खाली। शैतान ने उसकी आइडिया सुनने के बाद उसे कहा, ऐसे कीजिए। शैतान ने कहा, नहीं, ये काम का नहीं है, ये लोग, ये नहीं चलने वाला। फिर दूसरे दुष्ट आत्मा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हां बोलो। मैं है ना, मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं उन्हें कहूंगी यीशु है, अच्छा है तुम्हारा विश्वास यीशु है, लेकिन वो कभी मरे हुओं में से जिंदा नहीं हुआ था, वो मर गया। देखो वो नहीं मरा, इसीलिए तुम्हारे काम भी नहीं होते। शैतान ने कहा, नहीं, ये भी आइडिया काम का नहीं है, ये लोग जानते हैं वो जिंदा है। तीसरे ने, मैं, हाँ बोलो। शैतान, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं इस तरह से सारे मसीहों को हाथ में कर सकता हूं। क्या? मैं हर एक को कहूंगा प्रभु है, वो क्रूस पे भी मरा है, वो जिंदा भी हुआ है, लेकिन उसके आने में बड़ा समय है, ऐश करो। अरे चलता है करो, बहुत टाइम है। इसीलिए मुझे लगता है यीशु जानता था कि ये शैतानी बातें हैं, कि यीशु के आने पर विश्वास करना कि वो बहुत देरी से है। इसलिए यीशु ने कहा, दुष्ट है वह दास जो इस बात पर विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। सुनिए, आप जानते हैं हम ठंडे क्यों पड़ते? क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि प्रभु के आने में बहुत समय है। सुनिए, मुझे बताइए, यह दुनिया कितने कितने वर्ल्ड वॉर्स देख चुकी है? एक, दो के तीन? हाँ, दो वर्ल्ड वॉर देख चुकी है दुनिया। सुनिए, यहां देखिए, आप जानते हो जब थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगी, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा,
वो कहां से होगा, वो कहां से शुरू होगा? तीसरा विश्व युद्ध कहां से शुरू होगा? सुनिए, इन दिनों में एक रब्बी जो इज़राइल में रहता है वो उसी प्लेस पे गया है जहां पर प्रभु का मंदिर बनेगा। उसने वहां पर जाके एक स्टेटमेंट भी कही है, आप गूगल करके देखिए, वो लिखा हुआ है वहां पर कि मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे, इसी जगह पे जहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। हम सभी जानते हैं वहां क्या बना हुआ है, और उन्होंने कहा है मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे। जानते हो जिस दिन वो लोग उस मंदिर को बनाने की शुरुआत करेंगे, सारी कंट्रीज इज़राइल के खिलाफ हो जाएंगी, सब एकत्र हो जाएंगे इज़राइल को मारने के लिए। वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, वहां से। इसलिए यीशु ने कहा तुम यरूशलम को अन्य जातियों से गिरा हुआ देखोगे। आप जानते हो प्रभु के आने में कितना कम समय बचा है? बाइबल बताती है जिस विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी वो आ जाएगा। क्या आप तैयार हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी रहती है और आप उसे उठाते नहीं हो। हमारा अंत, हमारी शुरुआत कैसी भी हुई थी कोई मायने नहीं रखता, हमारा अंत कैसा होता है यह मायने रखता है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? हु इज जूडा? हमारी मसीहत का एक बदनाम नाम है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आप अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकते? कितनी बहनें यहां पर, जब आपको बेटा पैदा होगा और मैं आपको बोलूंगा बहन आपने इसका नाम क्या रखा है, ये यहूदा इस्करियोती है, चोर है, चोर रखेंगे आप? आप सब वाकिफ हैं उस बंदे के नाम से। यहां देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना। जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं? मती, याकूब, यहुन्ना, पतरस, हलफई का पुत्र याकूब, बर्तुलमै, अंद्रियास, थोमा और याकूब। आप जानते हो अंत में एक नाम है, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती। और आपको पता है यहूदा इस्करियोती के नाम से एक लाइन जुड़ी हुई है, आप पढ़ के देखिए, और किसी के नाम से कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है, एक यहूदा इस्करियोती है जिसके नाम से एक लाइन जो है एडिशनल है वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये नहीं लिखा गया है उसका पकड़वाने वाला था, वहां लिखा है वो बना। इसका मतलब वो पहले जब प्रभु के पास आया था वो उस समय साफ सुथरा था, लेकिन जानते हो अंत में वो क्या बन पाया? प्रभु को पकड़वाने वाला बना। आप सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने क्या शुरुआत की थी, उसने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे मुर्दों में से जिंदा होता है, लेकिन आप सोचो उसके साथ रहकर भी वो नाश हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपनी कमजोरियां परमेश्वर को देना नहीं सीखी, आपका भी अंत ऐसा ही होगा। पॉल वॉशर ने कहा अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई जाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है, क्या आ गया? बोलता है, सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है, हां वो करेंगे, तू जा। उसके बाद मूसा कहता है, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? परमेश्वर उसे कहता है, जब वो तुझसे पूछें कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। आप जानते हो, उसके बाद बाइबल क्या बताती है, फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है, मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है, तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर उसे कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने उससे कहा, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ, वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी, जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो उस बहन की हालत, सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं, हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा, बहन आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है, जाओ जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उसे कहता है, सुन अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है
वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल और तू बात में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार जानते हो क्या करती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है और बाहर आके कहती है, एलिशा डन, मैंने कर दिया। अब एलिशा कहता है जा, जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन वेट, जितने बर्तन है वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक कर दे और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलिशा ने क्या कहा, अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हां प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थी होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है, तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उधार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओ मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते। देखिए इन लोगों को, दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखिए, यहोशापात को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए, कई क्षेत्रों में कमजोर थे पर वो अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके गए। लेकिन आज परमेश्वर ने, आज वो हमें बुला रहा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, कौन है पवित्र आत्मा, सूरज भाई क्या करता है वो, सुनिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए। परमेश्वर एक व्यक्ति के आने की प्रतिज्ञा कर रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से निकालेगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें राज्य में ले जाएगा। सारी पुरानी नियम की किताबें एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता आया, जीसस, यीशु, यशुआ, यशुआ मशीहा का। बाइबल बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और जब 2000 साल पहले उसका बेटा आया, वो एक ही बात कह रहा था, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आप जानते हो वो ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा आया, और वही पवित्र आत्मा आज कह रहा है वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा, वो बहुत जल्द बादलों पर आएगा। सुनिए, जानते हो वो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है, सुनिए मेरी बात को। बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला है, उसके लिए एक सहायक बनाना है। प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई, जिसका नाम परमेश्वर ने कुछ और रखा, आदम ने कुछ और रखा, एडम कॉल हर ईव, गॉड कॉल हर हेल्पर। आदम ने उसका नाम रखा हवा, पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा, परमेश्वर ने उसका नाम रखा था सहायक।
किन चीजों में वो आदम की सहायता करती थी आपको पता है? मुझे लगता है वो बहुत सारे कामों को जो बाहर के तौर पे होते हैं, खेत में काम करना, कुछ पेड़ से तोड़ना, अलग अलग काम करवाना, जैसे आप बहनें करती हैं, वो अपने पति को हेल्प करवाती थी, मदद करवाती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वो सहायक है, वो तेरी सहायता करेगी। प्रभु कहां सहायता करेगी? बाहर, आउटसाइड। लेकिन आप इसे कितने लोगों के बाद जानते हैं, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर था, उसने एक रात पहले चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हें सहायक दे। आप जानते हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का क्या नाम बताया? सहायक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा उसकी सहायक थी और वो उसको बाहरी तौर पे मदद करती थी। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके अंदर भेजा गया है ताकि आपको अंदर की कमजोरियों पर जय दे, सहायता करे। वो आपके अंदर भेजा गया है ताकि वो आपकी मदद करे। जानते हो आप में से वो कुछ लोगों की मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि आप में से बहुत लोग यहां पर ईमानदार नहीं है। You are not honest. जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? बोलिए ईमानदार। पवित्र आत्मा सदैव ईमानदार लोगों को पवित्र बनाता है। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? ईमानदार होने का मतलब होता है अपना पाप मान लेना। आज लोग मानते नहीं है, लोग पकड़े जाते, वो कॉट किए जाते। बहुत लोग फरीसियों का नाम खराब करते हैं ना, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं, फरीसी ऐसे हैं, फरीसे वैसे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह पे फरीसी भी ईमानदार दिखे। एक दिन यीशु के कदमों में एक औरत डाल दी गई और सब लोगों ने कहा, प्रभु उसने पाप किया है, ऐसी औरतों को शरीयत कहती है मार दो। प्रभु ने कहा, ओके, मार दो। पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया। आपको पता है वहां क्या लिखा है? सब चले गए, फरीसी भी यहां ईमानदार बन गए। दे वर ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार हैं? आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपना पाप मानते हैं? क्या आप प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु लड़कियां कैसे भी कपड़े पहने, उनकी नहीं, मेरी आंखें गंदी हैं। कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने जाके कहती हैं, प्रभु दूसरों का नहीं पता लेकिन किसी की उन्नति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जलन होती है उस बहन के बारे में सोचकर जिसको तूने ब्लेस किया है। क्या आप ईमानदार हैं? जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा आपको कभी आजाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है, जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में बनो, तब उसका लहू तुम्हें शुद्ध करता है। जब आप ज्योति में आते हैं, जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह गलत है और आप मान लेते हो, वही समय होता है यीशु का लहू हर व्यक्ति को साफ कर देता है। क्या आप ईमानदार हैं? आपको पता है आई एम सॉरी, अपनी आंखों से देखा था यहूदा इस्करियोती ने कि कैसे लोग यीशु के पास आते थे अपने अपने गुनाहों को लेकर। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पांच पत्ती रख चुकी औरत भी मान रही थी कि हां उसने पांच पत्ती रखे हैं। वो अपनी आंखों से देखता था कि लोग कितने गहरे गहरे पापों के साथ उसके सामने आते थे, उसे अपने सामने खोल देते थे और वो उनको आशीष देता था। लेकिन
एक बार भी वो उसके सामने नहीं खुला, एक बार भी उसने ये नहीं कहा, प्रभु तू सबको बताता है ना कैसे बदलना है, मैं चोर हूं, मैं तेरे थैली में से पैसे लेता हूं। आप जानते हो सबसे दुखद बात क्या है, खुदा के इतने करीब रहने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी उसके सामने नहीं खोली, उसे एक बार नहीं कहा, प्रभु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप पूरी दुनिया को बताते हो ना क्या गलत है क्या सही है, मैं आपके सामने आके कहता हूं, प्रभु मैं चोर हूं, मैं आपके थैली में से पैसे चुराता हूं, मुझे आपको पकड़ाने के ख्याल आते हैं, प्रभु मैं बहुत पैसों से प्रेम करता हूं। उस दिन प्रभु एक इत्र की बोतल जब टूटी थी ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था प्रभु, क्योंकि मुझे लगता था उसमें से जो पैसे मिलेंगे मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन आपने उस इत्र को तोड़ के रख दिया, प्रभु मैं चोर हूं। प्रभु आप जानते हो द सैडेस्ट थिंग इज, सबसे दुखद बात यह थी, खुदा के इतना करीब रहने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी उसके सामने नहीं खोली। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हर दिन सुबह उठते हैं अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ बेटा बता, प्रभु मेरे कलीसिया वाले ना मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, पर आप जानते हो मैं कौन हूं, सारा दिन यहां व्यभिचार करता हूं, सारा दिन मुझे गुस्सा आता है, अपने मां बाप से मैं बदतमीजी से बात करता हूं, मुझ में नम्रता नहीं है प्रभु, इतना कड़वे तरीके से मैं बात करता हूं, किसी की इज्जत नहीं करता, बड़े आए बुजुर्ग आए मैं किसी का आदर नहीं करता, ओ लॉर्ड चेंज मी, मुझे बदल। शैतान हमारी कमजोरियों को लेके हमें डिस्करेज करता है कि तू देख इतने साल से विश्वासी है, तेरी हालत देख क्या है, लेकिन जानते हो पौलुस क्या कहता है, वो कहता है मैं अपनी कमजोरियां लेके परमेश्वर के पास जाता हूं, क्योंकि वो अपनी सामर्थ को कमजोरियों में ही प्रकट करता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो पीछे तक खड़े हैं, अपनी कमजोरियों को लेकर निराश मत होइए कि सूरज भाई मैं रोज उन्हीं उन्हीं पापों में गिरता हूं, निराश मत होइए, अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास जाइए। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, यहां पर जितने लोग हैं कंटिन्यू खुदा के पास जाइए, अपनी कमजोरियां उसे बताइए, आने वाले दिनों में आप हर चीज पर जय पाएंगे, आप जय पाएंगे। ओ इब्राहिम विश्वास नहीं करता था पहले के दिनों में, इसीलिए हाजरा के पास चला गया, लेकिन आज हम कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता बनाया। पतरस ने उसका इनकार किया, वो पहला अगुआ बना। बाइबल बताती है पौलुस ने लोगों को मारा, परमेश्वर ने उसी का उद्धार करके उसको एक बड़ा मिशनरी बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतिहास रहा है, उससे कमजोरों को उठाया है, सामर्थ्य बनाया है, उनका उपयोग किया है। शो योर वीकनेसेस टू जीसस क्राइस्ट। आपको क्या लगता है मैं बहुत बलवान हूं? अरे दोपहर में यहां से जा रहा था मैं, गाड़ी में बैठा, मेरे मन में कुछ बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे किसी भाई के लिए, मैं उसे एंटरटेन कर रहा था। थोड़ा आगे पहुंचा, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कुछ गलत सोच रहा था, कोई नहीं जानता है कि मैं क्या सोच रहा था, आप मुझे जानते, क्या लगता है आपको मैं पाप नहीं करता? हर दिन मुझसे पाप होता है। 8 दिन पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे आत्मिक समझे न समझे। अरे भैया आपने झूठ बोला? हां 8 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के सामने यह बोलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आज भी ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। My brothers, my sisters, be honest. देखो उस खुदा को जो देख रहा था आदम ने पाप किया, उसके बाद भी उसके पास आके कहता है क्या तूने फल खाया? देखो उस खुदा को जिसके सामने हाबिल मरा हुआ पड़ा था, फिर भी केन को पूछता है तेरा भाई कहां है?
देखो उस परमेश्वर को जिसने फरीसियों को कहा तुमसे पहले वैश्या और चोर परमेश्वर के राज्य में आएंगे। क्यों? क्योंकि वे ईमानदार हैं। जब आप खुदा के सामने ईमानदार बनोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी कमजोरियां जिनमें आप बार बार गिरते रहते हो, बार बार गिरते रहते हो, परमेश्वर उन कमजोरियों को सामर्थ्य में बदल देगा और आने वाले दिनों में आप लाखों लोगों के लिए आशीष बनेंगे। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। सुनिए, ये मैं हमेशा जीसस इज लाइव मुंबई में कहता हूं, ये शब्द मैं हमेशा अपने कलीसिया के लोगों को कहता हूं, आपको भी कह देता हूं। बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। बदलाव कभी भी अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। जानते हो बदलाव कहां आता है? जब आप घुटनों पर आते हो। जब आप परमेश्वर को समय देते हो, जब आप खुदा को अपना टाइम देते हो, सारी कमजोरियां उसके सामने उंडेल देते हो, प्रभु मुझे माफ कर, आई हैव अ डर्टी माइंड, मेरा मन बहुत गंदा है प्रभु, मेरी जुबान बड़ी मीठी है लेकिन मेरे मन में बड़ी कड़वाहट है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे निकाल यहां से। और उसे आप तब तक पुकारते रहते हो जब तक वो आपको अनुग्रह न दे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जानते हैं बदलाव कैसे आता है? मूसा प्रभु के पास गया, 40 दिन तक उससे बात करता रहा। जब वो नीचे उतर रहा था, लिखा है उसके मुंह पे किरणें थी, ऐसी किरणें थी कि लोग उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। ये किरणें आई कहां से? ये किरणें परमेश्वर से निकल के मूसा में गई थी और अब दूसरे लोग देख रहे थे। आप जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जानते हो क्या करता है? वहीं पर वो अपना चरित्र आप में ढालता रहता है, वो आप में अपना चरित्र ढालता रहता है। इसी से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरह बनता है। डोंट अपने अपना अंत पुराने नियम के लोगों की तरह मत करो। सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। जीवन मजाक नहीं है, एक ही बार जिंदगी मिली है। मरने के बाद बाइबल बताती है कोई दोबारा नहीं आएगा यहां पर। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये मत समझिएगा कि आप आज मर गए, कल आप फिर से इंसान का जन्म लेंगे। बाइबल बताती है एक बार मरने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता, वो एक जगह पे चला जाता है, वेट करता रहता है और एक समय आएगा जब प्रभु आएंगे, हम वापस जिंदा होंगे और न्याय के सामने खड़े होंगे। My brothers and sisters, be serious. जीवन को हल्का मत लीजिए। हम नहीं जानते हैं कि कल हम सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं, हम अपने दिनों को नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमारा आखिरी दिन कौन सा ठहराया है। गंभीर हो जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, रोजा रखिए, उपवास कीजिए, खुदा के करीब जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वो अपना स्वभाव आपको देगा और आप बदल जाएंगे। यू विल चेंज, गॉड विल चेंज यू। और आप जानते हैं जो लोग बदल जाएंगे उनके साथ क्या होगा? ओह,
हम उठा लिए जाएंगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत तब होगा जब वो अपने लोगों में अपना उसका बेटा देखेगा। फिर से कहूं, एक व्यक्ति ने कहा, परमेश्वर के जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत वहां होगा जब वो अपने लोगों में अपने पुत्र को देखेगा। अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को मुझ में देखे। Come on, give a clap for Jesus। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को आप में देख पाए। ओ, वो उसको आप में देख पाए, आपके चाल चलन में देख पाए, ओ आपकी चीजों में देख पाए। लोग आपको देख के कहें, ये और वो एक जैसे लग रहे हैं, और इसी से यीशु को महिमा मिलेगी, यीशु को आदर मिलेगा, क्योंकि कलीसिया अपने लिए नहीं जी रही है, अब कलीसिया उसके आदर के लिए जी रही है, कलीसिया उसकी महिमा के लिए जी रही है। हम ऐसा दीपक बनेंगे जो ऊपर रखा जाएगा और हर एक को प्रकाश मिलेगा। बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बनो। परमेश्वर तुम्हें कार बंगले गाड़ी देने के लिए क्रूस पे नहीं मरा। ये आजकल के पाखंडी कहते हैं, हिपोक्रिट्स, या आई कॉल देम हिपोक्रिट्स। प्रभु में आओ ये मिलेगा, प्रभु में आओ वो मिलेगा, और सारे लालची चर्च में। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं चर्च में गया, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, सोया हुआ था। मैंने उसको कई बार बोला, भैया उठ, मीटिंग चालू है। ओ यार सोने दे। पास्टर ने वहां पर खड़े होके कहा, इस साल प्रभु हर एक को मर्सिडीज गाड़ी देगा। उठ गया, खड़े होके कहता है, हां मेरा विश्वास है, मुझे काली मिलेगी। वो बैठ गया, मैं देख रहा था। मैंने कहा, ढोंगी, वो वचन प्रचार कर रहा था, सुन नहीं रहा था। गाड़ी की बात आई तो बोलता है, यीशु क्यों आया? तुम्हें कार देने के लिए, बंगला देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, लंदन भेजने के लिए, वीजा दिलाने के लिए? अरे वो ये सब करता है, उसको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं उसको कि उसने हमें तन पे कपड़े दिए, भोजन दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ आपको ये चीजें देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया। ही इज हेयर टू मेक यू लाइक हिम। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप, समानता। स्वरूप का मतलब होता है बाहर से भी खुदा की तरह, समानता का मतलब होता है अंदर से भी खुदा की तरह। इसलिए आपने देखा, आदम और लाजर को अलग अलग तरीके से जिलाया गया। आदम यहां लेटा हुआ है और लाजर यहां मरा पड़ा है। यीशु मसीह नए नियम में लाजर को कहता है, लाजर बाहर आ, शब्द से जिलाता है। लेकिन उसने आदम के लिए शब्द यूज नहीं किया, आदम उठ जा, नो, उसने श्वास फूका, उसने अपना स्वभाव दिया उसे, उसे उसका नेचर दिया, उसे लाजर को शब्द से जिलाया, पर उसे आदम को मट्टी से बनाने के बाद अपनी श्वास से उठाया। क्यों? क्योंकि आदम को सिर्फ, लाजर को सिर्फ जिंदा किया गया, आदम को स्वभाव दिया गया।
इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और आपने देखा शैतान ने पहला झूठ क्या बोला आदम से, फल खा क्योंकि प्रभु जानता है जिस दिन तू ये खा लेगा तो उसके समान बन जाएगा। जो ऑलरेडी उसकी समानता में है उसे कहता है तू उसके समान हो जाएगा। जैसे ही आदम ने फल खाया ओ उसके बाद उनमें पाप आ गया, गुनाह आ गया। आप देखिए इंसान वहां से शैतान की तरह बनना शुरू हो गया। आज भी इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी समानता में नहीं है, वो बाहर से खुदा की तरह है लेकिन अंदर वो बहुत गंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो आपको अपनी समानता में एक बार फिर से लेकर आए। छापा यही सुसमाचार है, दिस इज अ गॉस्पल, यही उसका सुसमाचार है। वो अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा देने आया ताकि उसकी कलीसिया हर गुनाहों पे जय पाकर उसकी तरह बने। इसीलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो श्रापित हो। आज कितने लोग हैं जो एक बार फिर से उसके सामने एक नया समर्पण करना चाहते। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स। कितने लोग हैं आज एक बार फिर से चाहे शुरुआत कैसी भी की हम अपना अंत खुदा के सामने महिमा से करेंगे। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, कोई किसी से बात ना करे, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु से बात करिए। प्रभु धन्यवाद, मुझे भी लग रहा है कि मैं ऐसा ही हूं, मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी प्रभु लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बैकस्लाइड सा हो रहा हूं, पीछे हो रहा हूं, तेरे प्रति प्यार ठंडा पड़ रहा है। प्रभु जी बात करिए अपने परमेश्वर से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टॉक टू योर गॉड, बात करिए उससे, अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बात करिए, बात करिए प्रभु से, आंखें बंद करके प्रभु से बात करिए, अपनी कमजोरियां उसके सामने उंडेल दीजिए। हां प्रभु ये सच है, मेरी भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है खुदा के मैं अपना पहला सा प्यार खो रहा हूं, मैं पहले की तरह नहीं हूं। तूने आज मुझे कहा है मैं तेरी कमजोरियों के साथ खड़ा रहूंगा, आज मैं अपनी कमजोरियां तुझे देता हूं। मूसा ने तुझे कहा मैं बोल नहीं सकता, तूने उससे कहा मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। तू हमारी कमजोरियों में हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है। वर्शिप यू, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां, मैं तू मेरा
मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दो मेरा प्रभु, तू मेरा शरण, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, अपनी सारी चीजों से मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, हाथों को उठा के उससे गाइए, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है, चलता रहूं मेरे एक बार फिर से, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे
खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। जो लोग एक बार फिर से अपनी जिंदगी प्रभु को देना चाहते हैं, एक नया समर्पण करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह वचन मेरे लिए था, शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई थी लेकिन अंत बुरा हो रहा है, आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपनी सारी कमजोरियां मेरे सामने लेकर आ, मैं उन्हें सामर्थ में बदल दूंगा। जो परमेश्वर पौलुस की कमजोरियों में खड़ा हुआ, जो परमेश्वर मूसा के मुंह के साथ खड़ा हुआ, वो परमेश्वर हमारी कमजोरियों में भी खड़े होकर हमें जय देगा। पिता, मैं हर उस भाई, हर मैं अपनी उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय एक बार फिर से अपना जीवन आपको देना चाहते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मन की तैयारी किसकी है सिर्फ तू जानता है। कौन से वो लोग हैं जो अपने अंदर से तुझे अपनी जिंदगी दे रहे हैं तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों पर, जो लोग अपनी जिंदगी तुझे एक बार फिर से दे रहे हैं, ऐसे लोगों को तू छू ले, अपनी आत्मा से भर ले, इन्हें अपने अभिषेक से भर दे, एक बार फिर से ये तेरी महिमा में पाए जाएं। तू जय देने वाला परमेश्वर है, तू विजय देने वाला परमेश्वर है, तू धनवानों को उनके सिंहासनों से नीचे उतारकर तीनों को उस सिंहासनों पर बिठाने वाला परमेश्वर है। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा, हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। हम हारे हुए पैदा हुए थे लेकिन जीते हुए मरेंगे, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने ये सभाएं मेरे लिए रखी थी। धन्यवाद यीशु, ये सभाएं मेरे लिए थी ताकि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊं, ताकि मैं तुझे बेहतर तरीके से जान पाऊं, ताकि तेरे करीब आ पाऊं, तेरी तरह बन पाऊं और उठा लिया जाऊं। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल। प्रभु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। लॉर्ड ब्लेस अवर छत्तीसगढ़। ब्लेस अवर छत्तीसगढ़, ब्लेस द एवरी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ब्लेस अवर चीफ मिनिस्टर, ब्लेस, ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस योर गवर्नमेंट लॉर्ड, अपनी सरकार को आशीष दे। ब्लेस अवर पुलिस लॉर्ड, ब्लेस अवर डॉक्टर्स लॉर्ड, ब्लेस अवर इंजीनियर्स लॉर्ड, ब्लेस अवर नर्सेस लॉर्ड। ओ प्रभु, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के हर घर में तेरी इबादत होगी, क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद यीशु, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं।
यीशु के नाम से मांगते हैं।